क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले होने वाली भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। वो भविष्यवाणी जिसने यीशु मसीह के दूसरे आगमन को एक रॉकेट की स्पीड की तरह तेज कर दिया है। जितनी भी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के दूसरे आगमन और रैप्चर के बारे में अंत के दिनों के बारे में लिखी गई हैं, वो सब तब तक पूरी नहीं हो सकती थी जब तक ये वाली भविष्यवाणी अगर पूरी नहीं होती। और ये भविष्यवाणी यहेजकेल अध्याय 36 उसकी 24 आयत में लिखी है, जिसमें परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कहा, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। आज तक जितनी जबरदस्त भविष्यवाणियां, जितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां बाइबल के समय में पूरी हो चुकी हैं, उन भविष्यवाणियों पर लोग उंगलियां उठा सकते हैं, डाउट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये सब झूठ है, पर यहेजकेल में लिखी इस भविष्यवाणी को कोई चाह कर भी झुठला नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि बाइबल की भविष्यवाणियां झूठी हैं। बाइबल में ये बार बार लिखा है कि जब इजरायली लोग पाप करते थे तो परमेश्वर उन्हें सजा देता था, इजरायलियों को उनके दुश्मनों के हाथों में कर देता था, और ऐसा बार बार हुआ। कभी कोई इजराइल पर अटैक करता था तो कभी कोई, और इजराइली लोगों को बंदी बनाकर, उन्हें गुलाम बनाकर अपने अपने देश में ले जाते थे। राजा सुलेमान के मरने के बाद उसके राज्य के दो हिस्से हो जाते हैं। ये दोनों राज्य एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं और इस चीज का फायदा दूसरे साम्राज्य के लोग उठाते हैं, और इस बंटवारे किए हुए इजराइल पर बहुत से हमले होते हैं और इजराइली लोगों को बार बार बंदी बनाकर दूसरे देशों में ले जाया जाता है। जब इजरायली लोग दास्तव में होते थे, यानी दूसरे देशों में गुलामों की तरह रहते थे, तो उस समय इजरायल में उनके ही घरों में विदेशी लोग कब्जा कर लेते थे। जो बड़े बड़े साम्राज्य इजरायलियों को गुलाम बनाकर ले जाते थे, वो इजरायली लोगों को एक दूसरे से दूर दूर दूसरे शहरों में रखते थे, ताकि इजरायली लोग इकट्ठे होकर कोई बगावत ना कर सके। और इस तरह चलते चलते इजरायली लोगों के पास अपना कोई देश नहीं रहा, वे रिफ्यूजी लोगों की तरह दूसरे देशों में ही रहते थे, पर लोगों ने उन्हें कभी भी ग्रहण नहीं किया। एक अजीब सी नफरत लोगों के दिलों में इजरायली लोगों के खिलाफ, यानी यहूदी लोगों के खिलाफ रहती थी। अब दुनिया में जब कुछ भी बुरा होता था तो यहूदी लोगों पर ही इल्जाम लगाए जाते थे, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाता था। सन 1346 में ब्लैक डेथ नाम की महामारी के दौरान तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा लोग मरे। ब्लैक डेथ इतिहास की सबसे खतरनाक महामारी थी, और लोगों ने यहूदियों को उस महामारी का जिम्मेदार ठहराया, और इस कारण यहूदी लोगों को बहुत सताव सहना पड़ा। बड़ी भारी संख्या में यहूदी लोगों का कत्लेआम किया गया। 2-3 हजार यहूदियों को इकट्ठे जला दिया जाता था, और यहूदी लोग जान बचाने के लिए एक देश से दूसरे देश में भाग जाते थे, चाहे वो मिस्र में हो या फिर बेबीलोन में, चाहे हो रोमन साम्राज्य। शुरू से यही चलता आ रहा है। शैतान ने यहूदी लोगों को खत्म करने पर अपना पूरा जोर लगा दिया, और यहूदियों पर अत्याचार उस समय सारी हदें पार कर गया जब हिटलर सत्ता में आया। जितना कत्लेआम हिटलर ने यहूदियों का किया, उतना आज तक कभी नहीं हुआ। सन 1941 से लेकर 1945 के बीच में सिर्फ 4 सालों में ही हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। हिटलर ने अपनी किताब माइन काम्फ में यहूदी लोगों के बारे में लिखा है कि यहूदी लोग हानिकारक कीटाणु हैं जो दूसरे देशों के शरीर पर रहते हैं। 1922 में हिटलर ने यह घोषणा की थी कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ, अगर मेरी सरकार जर्मनी में आएगी, तो मेरा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यही होगा कि यहूदी लोगों का सर्वनाश किया जाए। जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आते ही उसने सन 1939 में पोलैंड पर कब्जा किया, और इस कारण दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, और जर्मनी में जहां कहीं भी यहूदी लोग रह रहे थे, हिटलर ने उनकी सिटीजनशिप को रद्द कर दिया, और सब यहूदी लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया और कैंप्स में भेज दिया गया, जहां पर यहूदी लोगों को आम जनता से दूर रखा जाता था। उसने यहूदियों के कैंप्स के आसपास दीवारें बनवाई, ताकि कोई भी यहूदी बिना परमिशन के कैंप से बाहर ना जा सके। यहूदी लोगों को जानवरों की तरह रखा जाता था, और जो लोग तंदुरुस्त होते थे उनसे वे लेबर का काम करवाते थे, और जो काम काज नहीं कर सकते
देते थे, उन्हें वे वहीं खड़े खड़े गोली मार देते थे। हिटलर की आर्मी यहूदी लोगों को बड़े बड़े कब्रों में ले जाती थी जहां पर शावर लगे होते थे और वे लोगों को बोलते थे कि ये शावर तुम्हारे नहाने के लिए हैं। और इस तरह वे सैकड़ों लोगों को नहाने के बहाने कमरों में बंद कर देते थे। पर उन शावर्स में से पानी नहीं बल्कि कार्बन मोनोक्साइड एक जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और इस तरह लाखों यहूदियों को मार दिया जाता था। छोटे छोटे बच्चे आर्मी से बचने के लिए गटरों में छुप जाते थे। परिवारों के परिवार सीवरेज के नालों में ही कितने कितने महीने छुप छुप कर रहते थे। हिटलर के लोग इतने दुष्ट थे कि वे यहूदियों को किसी भी समय कहीं भी गोली मार देते थे। उन्होंने जगह जगह पर डेथ कैंप्स बनाए हुए थे, यानी कि ऐसी जगहें जहां पर गैस वाले चैम्बर बनाए हुए थे। वे यहूदियों को ट्रेन में जानवरों की तरह इकट्ठा करके डेथ कैंप्स में भेज देते थे और गैस के चैम्बर्स में डालकर उन्हें मार देते थे। वे लोगों से पहले जमीन में खड्डे करवाते थे और फिर उन्हीं खड्डों में उन्हें खड़े करके गोलियां मार देते थे। पर आखिरकार परमेश्वर की दी हुई भविष्यवाणी पूरी हुई और 14 मई 1948 को इजराइल देश की फिर से स्थापना की गई और यहूदी लोगों ने दूर दूर देशों से अपने निज देश इजराइल में वापस आना शुरू किया। आज तक बल्कि अभी भी इस समय, इस वीडियो के चलते समय भी कोई ना कोई यहूदी परिवार फ्लाइट में बैठा है और इजराइल पहुंचने वाला है। इजरायली सरकार ने ये स्पेशल इमिग्रेशन प्रोग्राम निकाला हुआ है कि अगर कोई यहूदी है और इजराइल में आना चाहता है तो इजरायली सरकार उसका सारा खर्चा उठाती है, उसकी टिकट तक करवा के देती है, उसका रहने का सारा खर्चा पानी सारा ध्यान इजरायली सरकार करती है। ये ऐसी भविष्यवाणी है जो हमारे सामने 100% पूरी हो रही है। यहूदी लोग अपने निज देश इजराइल में वापस आ रहे हैं। 1950 में इंडिया में ही तकरीबन 30,000 यहूदी लोग रहते थे, पर आज सिर्फ 5,000 यहूदी लोग ही इंडिया में रहते हैं, बाकी सब इजराइल में वापस जा चुके हैं। परमेश्वर ने यहेजकेल की पुस्तक में कहा था कि मैं तुम्हें जातियों में से दूर दूर के देशों से मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और इजराइल में लेकर आऊंगा, और ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। जब 70 एडी में रोम ने यरूशलम पर हमला किया और यरूशलम में मंदिर को तोड़ दिया तो उस समय से लेकर 1948 तक, यानी तकरीबन 1900 सालों तक, यहूदी लोगों के पास अपना कोई देश नहीं था। वे भटक रहे थे एक देश से दूसरे देश में। उन्हें लग रहा था कि शायद परमेश्वर ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता, वो पूरा होकर ही रहता है। ये भविष्यवाणी भी ऐसे ही पूरी नहीं हुई। परमेश्वर अपनी टाइमिंग में बड़ा परफेक्ट है और हर काम अपने टाइम पर ही पूरे करता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन आराम किया और 7वें दिन को विश्राम का दिन यानी सब्बत का दिन कहा। और इसी रूल को यहूदी लोग फॉलो करते थे। वे 6 दिन काम करते थे और 7वें दिन आराम करते थे। पर लेवी व्यवस्था अध्याय 25 में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम अपने खेत भी सिर्फ 6 साल बोया करना, पर 7वें साल जमीन के ऊपर कुछ ना बोना, 7वां साल जमीन के लिए विश्राम का साल हो। फिर परमेश्वर ने कहा कि तुम 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना, यानी कि जब 7 साल 7 बार पूरे हो जाएं, तो ये हो जाएगा 49 ईयर्स। और इन 49 ईयर्स के बाद जो साल आएगा यानी 50वां साल, वो तुम्हारे लिए जुबली कहलाए, यानी कि 50वां वर्ष जुबली का वर्ष होगा। परमेश्वर ने कहा कि इस 50वें वर्ष को तुम पवित्र करके मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। इस 50वें वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने घराने में लौट पाओगे। अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ें, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अगर किसी के भी ऊपर कोई कर्जा हो, चाहे कर्जा लिया हो या कर्जा दिया हो, वो सब कर्जा माफ कर दिया जाए। अगर किसी ने गरीबी के कारण अपने आप को किसी का गुलाम बना लिया है या अपनी जमीन गिरवी रख दी है, तो वो गुलाम आजाद कर दिया जाए, वो जमीन उसको वापस दे दी जाए। तो जुबली का साल खुशियों का साल होता था। लोगों के घर और जमीनें जो खो गई होती थी, वे उन्हें वापस मिल जाती थी। इजराइल के ऊपर बहुत से साम्राज्यों ने राज्य किया। आखिरी साम्राज्य जिसने इजराइल की जमीन पर राज्य किया, वो था ऑटोमन एम्पायर, जिसने 1517 से 1917 तक राज्य किया। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऑटोमन एम्पायर को हरा देता है और सन 1917 में ये घोषणा करता है कि यहूदी लोगों के लिए एक देश, एक स्टेट स्थापित की जाए, जिसे 1917
1917 का बेलफोर डेक्लरेशन कहते हैं और 14 मई 1948 को इजरायली लोगों का अपना देश स्थापित किया गया। इजरायली लोग अपने निज देश में वापस आए। अब इजरायली लोगों को रहने के लिए अपना देश तो मिल जाता है, पर इजरायली लोगों का सबसे पवित्र शहर यरूशलेम उन्हें पूरा नहीं मिलता। पुराना यरूशलेम और भवन का हिस्सा जॉर्डन के पास था, पर 1967 में जब जॉर्डन ने इजिप्ट और सीरिया के साथ मिलकर इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल ने 6 दिनों में ही इन सारे देशों को हरा दिया और जॉर्डन के पास जो यरूशलेम का हिस्सा था उसे भी वापस ले लिया। और ये था जुबली का साल। 1917 में ब्रिटेन घोषणा करता है और पूरे 50 साल बाद जुबली वाले साल 1967 में इजराइल को यरूशलेम उनका पवित्र शहर वापस मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर राजा सुलेमान ने मंदिर बनाया था, जहां पर टेंपल माउंट है, उस जगह पर मंदिर बनने से पहले एक खलिहान था। खलिहान का मतलब थ्रेशिंग फ्लोर, जहां पर फसल को रखा जाता है और फसल के दानों को भूसी से अलग किया जाता है। सुलेमान के पिता राजा दाऊद ने उस खलिहान को खरीदा था। मंदिर वाला हिस्सा इजराइल के पास नहीं था, पर 1967 में जॉर्डन के साथ जंग के बाद मंदिर और पुराना यरूशलेम इजराइल के पास आ जाता है और इजरायली फौज यरूशलेम में प्रवेश करती है और वे मंदिर की दीवार के पास पहुंचते हैं और बहुत रोते हैं। 2000 साल बाद यहूदी लोगों का अपना शहर यरूशलेम उन्हें वापस मिलता है। उस समय इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ शलोमो गोरेन, जो कि चीफ होने के साथ साथ एक रबी भी थे, उन्होंने वेस्टर्न वॉल यानी मंदिर की दीवार के बाहर शोफर यानी तुरही को बजाया। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि जब जुबली का साल आए यानी कि 50वां साल आए तब शोफर को फूंका जाए। क्या आप जानते हैं कि जिस रबी ने उस दिन मंदिर के बाहर शोफर बजाया उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र थी 50 साल। 1917 में शलोमो गोरेन का जन्म हुआ था और 1967 में वे 50 साल के थे। और गोरेन के नाम का मतलब पता क्या है? गोरेन का मतलब है खलिहान, थ्रेशिंग फ्लोर। तो जुबली वाले साल में परमेश्वर एक जुबली वाली उम्र के आदमी को इजराइल में भेजता है और शोफर बजवाता है, और शोफर भी उस जगह पर बजाया जाता है जहां पर बहुत साल पहले राजा दाऊद के समय में एक खलिहान हुआ करता था। और शोफर जो बजा रहा है उसके नाम का मतलब भी खलिहान है। ये डायरेक्ट चिन्ह था परमेश्वर की तरफ से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर का वचन, उसकी दी गई भविष्यवाणी पूरी हुई और इस समय भी पूरी हो रही है। दुनिया भर से यहूदी लोग दूसरे देशों को छोड़कर इजराइल देश में जा रहे हैं। इजराइल देश का बनना और इजरायली लोगों का फिर से बहाल होना, रिस्टोर होना, ये साबित करता है कि बाइबल में लिखी गई हर भविष्यवाणी, हर वचन सच्चा और जीवित है। इजराइल देश का बनना एक मूवी के इंटरवल यानी इंटरमिशन के जैसा था। अब बस क्लाइमैक्स होने वाला है। यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियां पूरी होने वाली हैं। बाइबल में लिखा है कि मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट यरूशलेम में मंदिर को अपवित्र करेगा और मंदिर में चढ़ाए जाने वाली सारी मेल बलि और अन्न बलि को बंद करवा देगा। पर यरूशलेम में तो कोई मंदिर है ही नहीं। मंदिर तो 70 एडी में रोमन्स के द्वारा तोड़ दिया गया था। इसका मतलब है कि तीसरा मंदिर यानी थर्ड टेंपल बनाया जाएगा और उस मंदिर में यहूदी लोग मेल बलि और अन्न बलि भी चढ़ाया करेंगे, जैसा कि पुराने समय में चढ़ाई जाती थी। पर मंदिर तो तभी बनेगा अगर यहूदियों के पास इजराइल देश होता। 1948 में इजराइल देश भी बन चुका है और थर्ड टेंपल के बनने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और मंदिर में बलि के लिए जानवरों को भी चुना जा रहा है। जो यहूदियों के याजक होते थे उनको भी मंदिर में काम करने की, रीति रिवाज पूरे करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने खुलेआम हो रहा है। इसके लिए आपको कोई डीप नॉलेज की जरूरत नहीं। ये सब खुलेआम न्यूज में दिखाया जा रहा है। अगर अभी भी हम अपने बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह किसी एक इलाके के लिए, किसी एक जाति या रंग वालों के लिए इस दुनिया में नहीं आए। वो हम सब के लिए, इस सारी दुनिया के लिए इस धरती पर आए। अभी हमारे पास समय है तौबा करने का, उद्धार पाने का, नर्क की आग से बचने का। परमेश्वर के वचन से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली सारी वीडियोस आपके
फोन में जरूर पहुंचे। आप अपनी डोनेशन बैंक अकाउंट के जरिए और QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।